नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर जनपद पौड़ी गढ़वाल के पुलिस कप्तान यशवंत सिंह चौहान ने यात्रा पर ड्यूटी करने आए पुलिस कर्मियों को अपना व्यवहार बिल्कुल संयमित रखने के निर्देश दिए हैं। किसी भी स्थिति में उग्र नहीं होने की बात कही गई है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में 2 किलोमीटर पहले ही लगातार बारिश के चलते पहाड़ी से उफान आते हुए बारिश के नाले ने पैदल मार्ग पर बने टीन सेट का रेन बसेरे को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि यात्रियों को पैदल मार्ग पर आवाजाही करने में दिक्कत हो रही है। और वहीं दूसरी ओर धाम के लिए जाने वाले रास्ते से बरसाती नाला रास्ते में बह रहा है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से आधुनिक सुविधाओं से संपन्न अस्पताल से तीर्थ यात्रियों और स्थानीय व्यापारी पुरोहितों और तमाम लोगों को बहुत सुविधा मिली। इस अस्पताल के खुलने पर और उसके बाद अस्पताल के द्वारा निःशुल्क और बेहतरीन सुविधाओं से लोगों ने जो लाभ लिया है, उसके अच्छे प्रयास आगे भी करने की बात लगातार की जा रही है। फरुखाबाद में गुरु पूर्णिमा और सावन के पहले दिन की शुरुआत में सुबह से ही श्रद्धालु हजारों की संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। गंगा घाट पर श्रद्धालु की हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। जिले के हर जिले में गुरु पूर्णिमा सावन के पहले दिन को देखते हुए भारी वाहनों का आना बंद कर दिया गया था। श्रद्धालु गंगा घाट पर पूजा अर्चना के साथ बम बम भोले के जयकारों के साथ स्नान करते हुए नजर आए हैं। गंगा घाट के आसपास पुलिस की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर तैनात थी। मामला कोतवाली फरुखाबाद क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा नदी का बताया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सावन मास के आरंभ में कितनी खुशियां, कितना उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य विभाग की दशा सुधारने में लगी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लगातार भ्रमण कर सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए उपाय कर रहे हैं। अस्पतालों में बढ़िया भोजन, साफ सफाई, मरीजों के अच्छे से देखभाल हो, दवाइयां उपलब्ध हो, सभी जांच अस्पताल के अंदर हो, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पर सोनभद्र का स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के ज्यादातर अस्पतालों में गंदगी की भरमार है। मरीजों को बाहर से दवा और जांच करवानी पड़ रही है। वहीं मरीजों से अच्छी खासी रकम भी इलाज और जांच के नाम पर वसूली जा रही है। कन्नौज में गुरु पूर्णिमा के दिन की शुरुआत में सुबह से गंगा घाटों पर भारी भीड़ जुट गई। श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। कई जिलों के श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए माँ देवी घाट की तरफ से जाने वाले भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। श्रद्धालु गंगा घाट पर पूजा अर्चना के साथ बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की निगरानी दिखाई दे रही है। संभल में जेल से जमानत पर छूटकर आए बलबे के आरोपियों ने दर्जनों गाड़ियों संग जमानत का विजय जुलूस निकाला है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान जमकर हूटर भी बज रहे हैं। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामला कैलादेवी थाना के गांव मूसापर का है, जहाँ 4 आरोपियों की जमानत हो गई, जिसके बाद दर्जनों कारों और मोटरसाइकिल के साथ जुलूस निकालते हुए ये नजर आए हैं। इस दौरान हूटर गर्जे, आपराधिक मामले में विजय जुलूस का शक्ति प्रदर्शन के दौरान यदि दूसरा पक्ष सामने आता तो बड़ा बवाल हो सकता था, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने चुप्पी साधी हुई है। फिरोजाबाद में एक दिव्यांग अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। दिव्यांग की ट्राईसाइकिल भी मौके पर खड़ी मिली है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। थाना सिरसागंज के टावर रोड गौशाला के सामने का मामला। हमीरपुर में NH 34 में फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे जा रही 2 महिलाओं को ट्रक ने रौंद दिया। दर्दनाक हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रक के घुसने से शक विशक्त दोनों के शव हो गए। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही थी मृतक चाची और भतीजी। शहर कोतवाली क्षेत्र के कुटेछा चौके के पास है पूरा मामला।
पीलीभीत में 12वीं के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घर से स्कूल जाने के लिए छात्र निकला था, संदिग्ध परिस्थितियों में छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माँ के साथ छात्र निकला था, अपनी माँ को घर के बाहर ही छोड़कर दोबारा वापस गया। महज आधे घंटे में ही छात्र का रेलवे लाइन पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पहली बार ईमानदारी की मिसाल बनी राजीव राशन डीलर की दुकान। पूरा राशन देकर यूपी सरकार का नाम रोशन किया है। पूर्व में सस्पेंड हुई कनीज बेगम राशन डीलर के कार्ड धारकों को वर्तमान में नवीन डीलर राजीव द्वारा पहली बार पूरा राशन मिलने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने दुआएं और खुशियां भी मनाते हुए यहां की महिलाएं नजर आई हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।